मुल्तान समाज के लोगों ने खेली दूध की होली, हर की पैड़ी पर दिखा आस्था का सैलाब। हाथों में तिरंगा और माँ गंगा को साफ रखने की तख्तियां लेकर हर की पैड़ी पहुंचे मुल्तान समाज के लोग। हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा हर की पैड़ी, माँ गंगा को साफ रखने की खाई कसमें। मुल्तान समाज के लोगों ने पवित्र ब्रह्मकुंड में माँ गंगा के साथ जमकर दूध की होली खेली, माँ गंगा को साफ रखने का संदेश भी दिया। लोगों ने माँ गंगा से सबके कल्याण की प्रार्थना की। इस दौरान मुल्तान समाज के लोगों ने देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया। हर की पैड़ी पर हर हर गंगे के जयकारों के साथ मुल्तान समाज के लोगों ने पोस्टर ले रखा था, जिसमें लिखा था, ध्यान दें, कहीं मेरे कारण माँ गंगा तो मैली नहीं हो रही है। मुल्तान जोत महोत्सव के 114 साल पूरे हो चुके हैं। हरिद्वार में जोत जलाने की परंपरा 1911 से है, जब पाकिस्तान के रहने वाले लाला रूपचंद मुल्तान से पैदल जोत लेकर हरिद्वार पहुंचे थे। तभी से ये लोग लाला जी की उस परंपरा को आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आकर मुल्तान समाज के लोग मुल्तान जोत महोत्सव में शामिल होते हैं। 114 साल पहले भगत रूपचंद जी मुल्तान से पैदल चलकर यहाँ पर आए थे। हर की पौड़ी पे उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी होती, विश्व में एकता और शांति के लिए ये पर्व है। ये मुल्तान का नहीं बल्कि हर समाज का व्यक्ति इससे जुड़ गया है। जब स्वतंत्रता दिवस नज़दीक आता है तो हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, भारत माता की जय और गंगा मैया का उद्घोष करते हैं। गंगा के अंदर हर आदमी पिचकारी से दूध डालकर और गंगा की पवित्रता बनी रहे, और हम सब माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये परंपरा पिछले 114 वर्षों से चली आ रही है। लगभग 80-90 हजार की संख्या शाम को आप देखेंगे जब आरती होगी, और अभी घाट पे रखोगे पैर जगह नहीं मिलेगी। और 10 साल पहले 15 साल पहले जो लोग मिलते थे, जब यहाँ मिलते हैं तो एक आपसी भाईचारा और एकता बन के आती है। इस पर्व का यही संदेश है। सन 1911 में पाकिस्तान में रहने वाले व्यापारी लाला रूपचंद ने पैदल चलकर हरिद्वार में माँ गंगा में जोत प्रवाहित की थी। असल में लाला रूपचंद की 10 संतानें थी, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बची। एक दिन जब उनकी लड़की को गंभीर चोट लगी तो फिर उन्हें लगा कि उनकी संतान बच नहीं पाएगी। फिर उन्हें किसी ने कहा कि अगर वो हरिद्वार पैदल गंगा में जाकर जोत जलाएंगे तो गंगा मैया के आशीर्वाद से उनके दुख दूर होंगे। इस पर लाला जी मुल्तान से जोत लेकर हरिद्वार आए थे और उनकी कामना पूरी हो गई थी। देखिए, मैं वर्षों से इस कार्यक्रम में आता रहा हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी विशाल और इतनी महान है कि उसका हर संदेश पूरे राष्ट्र को एकता और शांति का संदेश देता है। 114 वर्ष पुरानी ये संस्कृति है जो भक्त रूपचंद जी द्वारा शुरू की गई थी, और आज भी सब लोग यहाँ पर आके माँ गंगा की गोद में यहाँ आरती करते हैं। अभी हम दूध के साथ होली भी खेलेंगे, और साथ ही साथ इस यात्रा का एक ही संदेश है, पूरे देश में भाईचारा हो, शांति हो, सौहार्द हो, और सब लोग आपस में मिलजुल कर। लाला रूपचंद्र के द्वारा शुरू की गई यह यात्रा आज परंपरा का रूप ले चुकी है। हर साल मुल्तान जोत महोत्सव के रूप में मुस्लिम समाज के लोग माँ गंगा से दूध की होली खेलकर देवभूमि को संदेश देते हैं, साथ ही देश और समाज की खुशहाली और गंगा माँ को पवित्र रखने की कामना भी करते हैं। इस अवसर पर माँ गंगा में दूध अर्पित करना और गंगा जी के साथ दूध की होली खेलने का खास महत्व माना जाता है। वो इसके माध्यम से देश और दुनिया में सुख और शांति का पैगाम देना चाहते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।